हेलो, आज की क्लास हमारी मैथ्स की क्लास है। इसके अंदर हम क्या है, आज पेपर करेंगे। हमारा तो मेन टारगेट है DSSS भी है, या इसके अलावा जहाँ भी मैथ आती है वो एग्ज़ाम को हम टारगेट कर रहे हैं। आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो दिल्ली पुलिस के, और मेनली दिल्ली पुलिस के हैं। और स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम क्या है अलग अलग पेपर के करते रहेंगे। अब एक या दो दिन के अंदर मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, आपको DSSS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है, ऑथेंटिक जगह से, ऑफिशियल जगह से। ये अगर इधर उधर से करते हैं तो गलत होते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से सीधा। मैं मैथ्स आज कुछ अलग तरीके से पढ़ाने की सोची है। मतलब पहले मैंने आपको कॉपी पे पढ़ाई थी, कॉपी में पेन लेके, इस बार मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ। तो देखते हैं, आप मुझे फीडबैक देना कि कैसे कुछ पहले से चेंज आया। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी पॉजिटिव फैक्टर्स आर देयर ऑफ 360। 360 के कितने पॉजिटिव फैक्टर होते हैं। पहले मैं ये ना छोड़ के मैं एक सिंपल सा वो लेता हूँ कि मान लो 10 है, ये जो 10 है इसके पॉजिटिव फैक्टर कितने होंगे। तो आपको कैसे पता लगाना होता है, एक तो 10, एक के पहाड़े में 10 आता है, दो के पहाड़े में 10 आता है, तीन के में नहीं आता, चार के में नहीं आता, पांच के पहाड़े में 10 आता है, और क्या 10 के पहाड़े में 10 आता है। ये चार ही ऐसी संख्या है जिनके पहाड़ों में क्या आता है, 10 आता है। वन मैं क्लियर भी लिख देता हूँ अगर किसी को ना समझ आए। जो हमारा 10 है ये किस किस के पहाड़े में आता है, एक के में आता है, दो के में आता है, पाँच के में आता है और 10 के में आता है। ठीक है, ये तो अगर संख्या छोटी हो तो हम ऐसे इजीली कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी संख्या बड़ी हो, इसका कलर रेड कर लेते हैं। अभी बस शुरू शुरू में थोड़ी सी स्पीड स्लो है, एक बार फ्लो सा बन जाए अपने आप स्टार्ट हो जाएगी स्पीड। ये तो हमने कर दिया छोटा तरीका, लेकिन अगर हमें अलग, मतलब ये तो अगर कोई बड़ी संख्या हो तो हम कैसे करेंगे। पहले मैं 10 ही से दिखाता हूँ। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 5। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे हाथ से लिखना पड़ेगा। 2 × 5 का मतलब 2 की पावर 1 × 5 की पावर 1। यही तो लिखते हैं हम 10 को। जब भी हमें फैक्टर निकालने होते हैं, जो पावर है ना, इन्हें एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी क्या निकल जाती है, फैक्टर निकल जाते हैं। 2 की पावर 1 है तो मैंने यहाँ क्या मान लिया, 2, इसे मैंने 1 प्लस कर दिया। इसी तरह ये 1 है, इधर भी क्या लिख दूंगा मैं, 2, और ये आंसर क्या आ गया हमारा, 4। और यहाँ से हमने देखा 1 2 3 4, कितने फैक्टर बन रहे थे, यहाँ भी 4। अगर मैं फॉर्मूले से निकालूंगा तो भी कितने बन रहे हैं, 4। अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन करके। ये मैंने बेसिक इसलिए बताया ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना आए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है DSSS के अंदर भी, और भी अलग अलग एग्जाम में पूछे जाता है। ये फिलहाल हम SSC का एग्जाम है उसके अंदर देख रहे हैं। हमने ले लिया क्या, थ्री सिक्सटी। अगर मैं 360 को फैक्टर में करूँ तो 6 मल्टीप्लाई कैसे लिखते हैं, ये मल्टीप्लाई का निशान है याद रखना, और कोई निशान में दिख नहीं रहा मल्टीप्लाई का। अच्छा सा 6 × 6 × 10। 10 को मैं क्या लिख लूँ, 2 × 5, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब जो 6 है मैं इसे भी ऐसे लिख सकता हूँ, 6 को 3 × 2। इस वाले 6 को भी क्या लिख सकता हूँ, 3 × 2। ये मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। 360 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसे अब सिंपल भाषा में लिखूंगा तो एक तो 2 है संख्या में, 3 है, ये 5 है। ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा होगा, जब आप अपने आप करोगे बहुत जल्दी होएगा। कितनी बार 2 है, 1 2 3, 2 की पावर 3। 3 कितनी बार है, 1 2, 3 की पावर 2, और 5 कितनी बार है, 1। तो ये हमारा, ये 360 का वो हो गया, कंपोजिशन हो गया। इसे अब मैं क्या कैसे लिख सकता हूँ, 3 का प्लस 1 करके 4, 2 को प्लस 1 किया तो 3, और 1 का में प्लस 1 करेंगे 2, मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 3 = 12, 24। ये हमारा क्या आंसर आ गया, 24।
एक और तरीका देखो। अब कुछ बच्चों को ऐसा डाउट हो सकता है कि सर मेरे पे नहीं, मुझे नहीं समझ आया आपने 3 2 2 5 क्या कर दिया, मुझे नहीं आता ये करना, मुझे तो कोई और सिंपल सा तरीका बताओ। एक तरीका तो मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आपको इसे करने में प्रॉब्लम है तो ये जो आपने बचपन से करते आ रहे हैं ये वाले तरीके पर आ जाना। 360, सबसे पहले 2 से काटा, 180 आ गया, फिर 2 से काटा, 90 आ गया, फिर 2 से काटा, 45 आ गया, 3 से काटा, 15 आ गया, फिर 3 से काटा, 5 आ गया, और ये इन द एंड 5 से काटा, 1 आ गया। अब इसे क्या है, सिंपल करके लिख लो। 2 कितनी बार आया, 3 बार, तो क्या क्या लिख लेंगे, 2 की पावर 3। 3 कितनी बार आया, 2 बार, 3 की पावर 2, और 5 कितनी बार आया, 1 बार, तो 5 की पावर 1, ये बन गया। अब आपको सिंपल वही करना है, 3 का प्लस 1 किया 4, इस 2 को प्लस 1 किया तो 3, और ये जो 1 है इसका प्लस किया तो 2, 4 3 12 2 24, तुम्हारा आंसर क्या आ गया, आंसर नंबर ए। मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा सबको। ये वाला क्वेश्चन है, आपको करके देखना है क्या है वन। अब हम इसे करते हैं, चलो आपके वाले तरीके से ही करेंगे पहले। वन टू एट जीरो, पहले 2 से किया 6 4 0, फिर 2 से करेंगे 3 2 0, फिर 2 से किया 1 6 0, फिर 2 से किया 80, ओहो 2 से किया 40, 2 से किया है तो बहुत बड़ा है 20, ये यहाँ बड़ा है क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्लस मुझे माउस से लिखना पड़ रहा है। अगर कॉपी पे आप करोगे और आपको डायरेक्ट तरीका आता है बहुत इजीली हो जाएगा। 2 से 5 और लास्ट 5 से 1। अब यहाँ में देख लेना है 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। अब आपको क्या करना है, 8 में प्लस 1 किया 9, 1 में प्लस 1 करोगे तो 2, और मल्टीप्लाई करके 9 दुनी 18, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 18। सिंपल क्वेश्चन है, इजीली कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली पुलिस का आया हुआ है 2019 में। अभी जो SSC से दिल्ली पुलिस के फॉर्म भी निकले थे, आप सबने भर भी रखे होंगे बहुत बच्चों ने जहाँ तक मुझे है, और CTET में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और DSSSB में तो आती है, उसके लिए तो करवाई है। अगला है इंग्लिश हिंदी दोनों में, इफ 15% ऑफ ए इनकम एज इनकम इज इक्वल टू 40% ऑफ बीज इनकम, ए की इनकम का 15% बराबर है बी की इनकम के 40% के, देन बी इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ ए इनकम, ए की आएगा 15%, बी की आएगा 40% के बराबर है। पहले इतना ही करते हैं, जो ए है इसकी आय का 15% बराबर है बी की आय का कितने परसेंट, 40% का सिंबल ये ए की, ये मल्टीप्लाई में गुना में, ठीक है, ए की आय का 15% बराबर है बी की आय का 40%, तो कहना है तो बी की आय, ए की आय का कितना परसेंट है, पहले निकालते हैं। देखो परसेंट से तो सबसे पहले परसेंट गया, मैं इसे सिंपल कर रहा हूँ, ये जो ए है और बी इक्वल टू के इधर है तो कहाँ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, इधर क्या बचा 40 और नीचे क्या आ गया 15, अगर हम काटेंगे 5 8 40 5 3 15, ए की आय अगर 8 रुपये है तो बी की आय कितनी हो गई, 3 रुपये,
सिंपल सी बात है, ए की आय 8 रुपये तो बी की आय 3 रुपये। आप कह रहे थे बी की आय कितनी है हमारी 3, बी की आय ए की आय का, ए की आय कितनी है हमारी 8, बी की आय ए की आय का कितने परसेंट है, 3/8 गुना 100, 8 से काटेंगे 12.5 अट्ठे 100 होता है, तो अपने आप काट लेना, 100 को 8 से काटेंगे 12.5 आता है, वैसे याद भी कर लो, मैंने तो याद कर रखा है 12.5 अट्ठे 100, 12 3 36 और 5 3 15, 36 और 1 37.5 मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा 37.5। ये चीज़ आपको मन में करनी पड़ेगी। देखो मैंने कैसे किया है, पहले 12.5 है, पहले मैंने 12 की गुना करी, 12 3 क्या होता है 36 होता है सिंपल, 5 3 क्या होता है 15, लेकिन पॉइंट में तो क्या होगा, 5 3 15 को क्या लिखूंगा मैं, 1.5 ही तो लिखूंगा, 12 3 36, 5 3 15, पॉइंट है तो 1.5 लिख दिया, 36 और 1.5, 36 और 1 37.5, इजिली आ गया 37.5, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा 37.5। क्वेश्चन इजी था, आप कर सकते थे, और जिसने पहली बार देखा हो तो थोड़ा ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट, ये मतलब आपसे वो कहूँगा कि आप अपने आप भी करके देखना, दिल्ली पुलिस की आया हुआ क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ 25% लेस देन बी एंड सी इज़ 35% मोर देन बी, देन सी इज़ हाउ मच परसेंट मोर देन ए, जो हिंदी माध्यम के हैं, यदि ए कलर चेंज तो नहीं करना, अभी कर लेते हैं, लाल होता है ना भड़कीला सा कलर, यदि ए बी से 25% कम है और सी बी से 25% अधिक है, तो ए सी से कितने परसेंट अधिक है। देखो ए भी आ रहा है, पहले मैंने यहाँ लिख लिया क्या, ए बी सी, ये क्या कह रहा है, ए बी से 25% कम है, अगर बी 100 है तो ए कितना है, 25% कम मतलब 75, अगर मैं इसे काट दूँ तो 25 या 75, 25 चौके 100, इनके बीच का रेशियो क्या है, 3:4 ए बी के बीच का। अगर मैं बी सी की बात करूँ तो सी बी से अधिक है 35%, सी बी से 35% अधिक है, इसे मैं कैसे करूँगा, ये 3:4 है, अब इसे हटा देते हैं, अब अगला करते हैं, इसे मैंने हटा दिया, 3:4 है याद रखना। अब मैं बी सी का बताता हूँ, अगर बी 100 है तो ये कितना है, ये 135, ये कह रहा है काटेंगे 5 से तो 20, और ये कितना है हमारा, 5 × 10, 5 × 7 = 35, 20:27। अब मैं दोनों का कंबाइन रेशियो लिख लेता हूँ, 20 और 27 ये था, हमें क्या पता है, ये तो 3:4 में था और ये 20:27 में था, ये थे ना बी के अलग अलग रेशियो, इसकी गुना इससे करो, इसकी गुना इससे करो, इसकी गुना इससे करो, 20 दिया 60, ये कंबाइन रेशियो बता रहा हूँ, मैं इसे खोल के भी बता सकता हूँ लेकिन मतलब नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा, करना फिर भी यही पड़ेगा, 7 चौक 28 का 8, ऐसे लगा 2, 4 × 2 8 और 2 10, ये आ गया हमारा रेशियो। अब कह रहा है सी ए से कितने परसेंट अधिक है, सी ए से कितने परसेंट अधिक है, सबसे पहले से मैं ए और सी को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 6 से काटा 10, ए और सी की बात चल रही है खाली, 6 × 6 = 6 = 48 और काटा, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18, ए अगर 5 है तो सी क्या है 9, ये कह रहा है सी ए से कितने परसेंट अधिक है, परसेंट तो नहीं पता लेकिन मुझे ये तो पता है ये 4 अधिक है, सी 4 अधिक है किससे, ए से, तो ए ए क्या है 5 और इससे अधिक कितना है 4, ये 9 है ना, ये तो यहाँ 4 ही तो अधिक है, तो 4 अधिक है, 4/5 गुना 100, 5 से काटेंगे क्या आएगा 20, 20 चौक क्या होता है 80, तो आंसर क्या हो गया हमारा 80%। देखो अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि क्या नीचे लिखते हैं, तो जो लास्ट में लिखा रहता है ना देन करके ऑफ करके, वो हमेशा नीचे लिखते हैं, अगर आप समझ के करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, किससे, ए से जिसके साथ से आए
वो हमेशा नीचे लिखते हैं अगर किसी को रिटर्न आउट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, 4 एंड 5। 3, 4 और 5 से कटने वाला वो बड़े से बड़ी संख्या कौन सी है, वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 3, 4 और 5 तीनों से कटती है। देखो इसे आप फॉर्मूले से और वैसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसे करोगे ना बिल्कुल देसी मेथड से तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने की। यहाँ क्या बात करी इसने, लार्जेस्ट का तीन डिजिट का, सब तीन डिजिट की है, लार्जेस्ट में देखो सबसे बड़ी कौन सी है, 990। अब हमें ये देखना 990 क्या 3, 4, 5 से कटती है, जीरो है लास्ट में, 5 से कट जाएगी। ठीक है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसे, यहाँ भंडक भी नहीं करते, 990। 990 को 3 से 4 से 5 से, आपको पता होगा 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर इनका सम 3 से कटे तो वो संख्या 3 से कटेगी। इसका 9, 2, 18, 3 से कट रहा है, चलो 3 का काम तो पूरा हो गया। 3 से कट रहा है मतलब 3 का काम खत्म। अगर लास्ट की 2 संख्या 4 से कटे इसका मतलब वो पूरी संख्या भी किससे कटेगी, 4 से। क्या 90 4 से कटता है, पहाड़े में देख लो, 4 के पहाड़े में 4 एकम 4, यहाँ क्या बचा हमारा, 5 बचा 5, या 4 दूनी 8, 1 0 10 बचा, नहीं कट रहा पूरा, तो ये क्या 4 से नहीं कटता है। इसका मतलब 4 से नहीं कटता तो ये संख्या नहीं हो सकती। नेक्स्ट संख्या देखिए, इससे छोटी कौन सी संख्या है, 960। सबसे बड़ी गई थी ना, सबसे बड़ी 960 थी, ये नहीं चली। अब इससे छोटी वाली देखेंगे तो 960, 960। सबसे पहले 3 का रूल, इनका सम देखो, 9 और 6 15, 3 से कटता है, ठीक है हो गया काम। लास्ट की दो डिजिट 4 से कट रही है, 4 से 15 चौके 60 कट रही है, तो दूसरा भी काम हो गया। 15 से 60, ये लास्ट में 0 है तो 5 से तो कटे गई, तो ये तीनों संख्या कट रही है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, 960। 5 से कटने के लिए लास्ट में 0 होना जरूरी होता है, 4 से कटने का रूल होता है लास्ट की 2 संख्या कटे, 3 से कटने का नियम होता है कि सभी संख्या का सम क्या हो, 3 से कटे। तो ये रूल लगाया और हमारा इजीली आंसर हो गया। लेकिन अगर कोई फॉर्मूले से करने का इच्छुक है तो क्या करेगा, इनका एलसीएम ले ले, ऐसे 3, 4 और 5 का एलसीएम ले ले। अगर 3, 4 और 5 का एलसीएम लेगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 चौक 20 25 30, 30 नहीं 35, 40 40 45 50 55 60, या ऐसे 5 चौक 20 30 60। अगर कुछ तीनों संख्या क्या हो, प्राइम नंबर हो, मतलब इनका कोई भी आपस में डिविजिबल ना हो, तो इन तीनों की गुना कर दो तो भी आ जाता है 60। अब देख लो 60 से कौन सी संख्या कटती है, वो आपका आंसर हो जाएगा। फॉर्मूले से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन, 2p = 3q, 4q = 5r, देन pqr। अभी मैं आपको फुल लेंथ के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मैं चाहूँ तो इन्हें थोड़ा सा शॉर्ट करके भी करवा सकता हूँ, लेकिन हमारी स्टार्टिंग है इसलिए मैं अभी आपको पूरा पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब ये क्वेश्चन हम कई बार कर लेंगे, मैं प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर मैं अपना मेथड थोड़ा क्या कर लूँगा, शॉर्ट कर लूँगा। अभी मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा ये मतलब एक्सपेंड करके बता रहा हूँ। 2p और 3q मैंने लिख लिया, pqr, ये तीन ही तो है। देखो जब 2p और 3q है, मुझे इनका रेशियो पता लगाना होता है, तो मैं इस वाले में बता रहा हूँ, ये वाली जो कंडीशन है 2p 3q, पी लिखा, क्यू बराबर के इधर आके अपोन में आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 3 और नीचे क्या बचेगा 2, मतलब पी का मान 3 है, क्यू का मान 2 है, तो यहाँ लिख लिया 3, यहाँ पे लिख लिया 2। क्यू आर देखो, क्यू आर जब ये आर इसके अपोन में आ जाएगा तो ये 4 इसके अपोन में आ जाएगा, 5/4, क्यू का मान क्या हो गया यहाँ 4, और आर का मान क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे जब ये आर आ जाएगा तो
ये जो 5 है ये तो ऊपर ही रहेगा, आर यहाँ से कट चुका, और 4 नीचे आके कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा 4। यहाँ क्यू का मान क्या आ गया, क्यू के सामने क्या है 5, आर के सामने क्या है 4, ये हमारे रेशियो आ गए। कुछ नहीं करना, मैंने कहा पहले मल्टीप्लाई ऐसे की, फिर मल्टीप्लाई ऐसे करो, और फिर मल्टीप्लाई ऐसे करो, और यहाँ लिख दो 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 15 10 8, ये क्या हो गया हमारा, इनका रेशियो आ गया इजीली 15 10 8। SSC CPO के SI के फॉर्म में, मतलब पेपर में आए थे। एक क्वेश्चन, ए बी 3:4 है, बी सी 6:5 है, देन हमें ये बताना है। ठीक है, पहले ए बी सी निकाल लेते हैं, मैं कैपिटल लिख रहा हूँ क्योंकि स्मॉल बनाने में तो और ज़्यादा टाइम लगता है। ए बी सी, ए बी क्या है 3:4, बी सी क्या है 6:5। अब हमें क्या करना है, सिंपल ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे, 3 छिंग 18, जिसे इंग्लिश में आती है जैसे करना हो, 6 चौक 24, 4 पंजे 20। इन्हें और हम काट सकते हैं, 2 से काटा 9, 2 से काटा 12, 2 से काटा 10, ये हमारा आ गया 9:9। अब मैं इसे लिख लेता हूँ यहाँ पे, 9 12 10, कहाँ पे लिख लें, यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी अपॉन में 9:12:10, ये हमारा रेशियो आ चुका है। शायद वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने की, बस ख़त्म कर रहे हैं, 7वीं स्लाइड पे हैं, 3 स्लाइड हो रहा है। तो 9 12 10, अब हमसे क्या कहा था ये हम देखते हैं, इससे जल्दी होता है इससे करते हैं। हमें क्या क्या करना है, ए प्लस बी और रेशियो बी प्लस सी, ये हमें निकालना है। देखो ए और बी क्या है हमारा 12 और 9, 12 और 9 कितने होते हैं हमारे 21। बी और सी कितना है हमारा, आप यहाँ देख सकते हो 12 और 10, 12 और 10 कितना होता है हमारा 22। तो ये हमारा रेशियो, और ये क्या आ गया हमारा बी और सी 22, तो हमारा आंसर क्या आ गया 21:22। हाँ इससे जल्दी हो रहा था, ऐसे करेंगे लिखने से जल्दी, हाँ और साफ सुथरा भी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है, और एक हिंदी में पढ़ते हैं ज़्यादा फील आएगी, इंग्लिश का भी ठीक लिखा है, गलत नहीं है। एक बेईमान फल विक्रेता क्रय मूल्य पर अपना सामान बेचता है। एक बेईमान फल विक्रेता है, वो क्या कहता है कि भाई मैं तो क्रय मूल्य पर अपना सामान बेच रहा हूँ, कि मैं अगर मान लो 100 रुपये की कोई चीज़ लाया दुकान से तो 100 रुपये की ही तुम्हें दे रहा हूँ। मान लो हम मान लेते हैं गेहूँ वीट है, वीट के ऊपर तो बहुत बवाल मचा हुआ है वैसे तो, सीपी और एसपी। उस दुकानदार का क्या कहना है, मान लो 100 100 रुपये का लाया, 100 रुपये का सीपी खरीद के लाया, 100 रुपये का ही बेच दिया, बिल्कुल मतलब देवता इंसान है, कोई भी वो नहीं कर रहा, जितने का लाता है उतने का बेच देता है, ऐसा उसका कहना है। लेकिन अब उसके देवता का राक्षस यहाँ यहाँ आ गया उसके अंदर, लेकिन 1 किलो की जगह कितना बेच रहा है 900 ग्राम, मतलब वो कह क्या रहा है कि मैं आपको कितना दे रहा हूँ 1 kg, वन के जी कह के आपको कितना दे रहा है 900 900 ग्राम दे रहा है, 1 किलो कह के 900 ग्राम देता है, इसका मतलब क्या है, वो कितने रुपए का मार्जिन खा रहा है। इसका मतलब उसने कितने का घपला किया, यहाँ 100 ग्राम का घपला किया है, 100 ग्राम का उसने क्या किया,
चोरी करी है, इसलिए वो क्या है, बेईमान है। 1 किलो कह के 1 किलो नहीं दे रहा, उसके तरफ से जा कितना रहा है। जो हमारी तरफ से जाता है ना, मान लो मैंने तुम्हें 10 रुपये की कोई चीज़ दी, मतलब मेरे पास कोई चीज़ आई, वो मैंने आपको दी, जो मेरे तरफ से जाएगा वो क्या होगा, मेरे लिए CP होगा। और जो आपने लिया है, आपने खरीदा है, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, आपके लिए वो SP होगा, लेकिन मेरे लिए वो क्या होगा, आप इस तरह देखो, ये पर्सन है दो, अगर कोई चीज़ मैंने इन्हें दी तो इनके लिए तो मैं ये सौ मैंने 100 रुपये की कोई चीज़ है, 100 रुपये की चीज़ ए ने बी को दी, तो ये 100 रुपये हैं, ए के लिए तो क्या हो गए, सेलिंग प्राइस, लेकिन बी के लिए ये 100 रुपये क्या होंगे, कॉस्ट प्राइस। तो इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना। कई बार हम सोचते हैं कि हमने 1 kg क्यों नहीं रखा, उसने ये 1 kg उसके लिए क्या था, सेलिंग प्राइस। ये जो दुकानदार था कहीं से लाया होगा ना 1 किलो, लेकिन 1 किलो जो दुकानदार लाया वो तो इस दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस था, लेकिन जब ये किसी दूसरे इंसान को दे रहा है, उस इंसान के लिए तो CP 900 ग्राम होगा ना। अगर नहीं समझ आया तो सिंपल इस तरह समझो, AB वाला कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इसके अंदर से ने 100 ग्राम की गड़बड़ करी, ये बात तो समझ आ गई होगी सबको। अब जो 100 ग्राम की गड़बड़ करी, कितने पे करी, 900 ग्राम पे तो करी है। जो 1 किलो है ये तो कहीं आया ही नहीं, इसका तो बस झूठ में नाम लिया है। पूरे पूरे इसके जो सौदेबाजी थी, इसके अंदर इसने 900 ग्राम का बाट का उपयोग किया और 100 ग्राम क्या कहा, लेकिन 10 100 ग्राम मतलब सॉरी 900 ग्राम के बाट का उपयोग किया, 1 किलो कह रहा था लेकिन 100 ग्राम खा गया, 100 ग्राम खा गया मतलब 100 ग्राम का इसने फायदा कमाया 900 ग्राम पे। तो बताओ इसका कितने परसेंट का फायदा हुआ। तो सिंपल अगर हम काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 100/9, 100/9 को जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 11 से ही 1/9 आ जाएगा। 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, फिर 1 बचेगा, 9 एकम 9 11 आ गया, फिर 1/9, 11 से ही 1/9। जिस पे नहीं आता हो करके देख लेना एक बार। कहाँ कहाँ करके दिखाऊँ मैं, 100, 9, 9 एकम या 11 से कर दो, 11 निम 99, हासिल क्या बच्चा 1, तो इसे क्या लिख देंगे, 11 से ही 1/9। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, बी। अगले पे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन सेम सेम पहले की तरह है। ये अब की बार क्या कर रहा है, एक बेईमान दुकानदार है, वही 1 किलोग्राम का दावा करता है लेकिन 950 ग्राम का बाट रख रहा है, बोल तो रहा है क्या 1 kg, लेकिन यूज कितना कर रहा है बाट, 950। अब दुकानदार से तो 950 गया है ना, तो दुकानदार का तो ये CP था, जिस इंसान ने, दुकानदार के लिए SP था लेकिन जिस ने खरीदा उसके लिए तो CP हुआ। हम अपने लिए तो देख रहे हैं लाभ हानि, मैं इसे सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। CP SP 950 ग्राम, ऐसे समझो ये 1 kg था, ये 950 ग्राम, इसने कितने, सबसे पहले देखो 1 किलो कह के 950 ग्राम दे रहा है, कितने का मुनाफा खाया है इसने, 50 ग्राम का खाया, ये तो बात समझ आई, लाभ की बात कर रहा है तो 50 तो आना ही आना है। किस पे खाया, 1 किलो पे खाया कि 950 ग्राम पे खाया, 950 पे खाया, ये बात भी समझ आई। CPSP भूल जाओ सब, मल्टीप्लाई 100, बस इसे सोल्व करना है हमें। 0 से 0 गई, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 निम 45, क्या आ गया, 100/19, 100/19, और परसेंट का सिंबल ऐसा कैसी। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, ये। अगर किसी को ये समझ नहीं आया क्वेश्चन, दोबारा बताना, मैं दोबारा बताऊंगा, किसी और तरीके से बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन जरूर पढ़ना है, बहुत इजी क्वेश्चन है और पेपर में जरूर आता भी है। हाउ मैनी पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 2000 आर देयर, 2000 के कितने पॉजिटिव फैक्टर होते हैं। मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया था आपको, ये वाला 360 वाला, सेम इसी तरीके से करना है। सेकंड क्वेश्चन भी बताया था, सेम तरीके से करना है ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप ये वाला क्वेश्चन करोगे और इसका आंसर क्या है मुझे कमेंट में बताओगे, 2000 के कितने फैक्टर होते हैं। आप इसे से, मैं एक हिंट बता सकता हूँ, इसे 1000 है, तो इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, 10 गुना 10 गुना 10, 1000 हो गया, और गुना 2,
बन गया 2000, 10 गुना 10 गुना 10,000 गुना 2000। अब 10 को भी फिर तोड़ लेना 2 5 में, ये 2 5 कितनी बार है, 10 तीन बार है ना, तो 2 भी 3 बार 5 भी 3 बार गुना 2। अब अपना आप करना, मैं इसे नहीं बता रहा, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को मुझे बताना, अगर कोई डाउट होगा बताना, मैं इसे अगली क्लास में बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।